सुप्रभात बच्चों, टेस्ट आने वाले हैं। अब हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी ओपन कर लेंगे, ठीक। देखिए, तीन पार्ट आएंगे। पहले ये जान लीजिए कौन कौन से पार्ट आएंगे आपके। पहला, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये कविता, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका लाल बहादुर शास्त्री, ठीक। और तीसरा पार्ट आपका आएगा ओणम, ठीक है। ये तीन पार्ट आपके आएंगे, है ना। इन और व्याकरण में दो पार्ट आएंगे, तैयारी करके रखेंगे। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी खोल करके उस सबसे पहले ऊपर लिखेंगे रिवीजन फॉर टेस्ट। क्या लिखेंगे? रिवीजन फॉर टेस्ट, ठीक है। हो गया। चलिए, प्रश्न एक, तिरंगा झंडा कितने रंगों से बना है? ए एक, बी दो, सी तीन। तीन रंगों से बना है, तीन पे टिक कर देंगे, ठीक। भीषण का क्या अर्थ है? लक्ष्य, अमृत, कठोर। कठोर, ठीक है ना। अब आगे आप खुद से करेंगे। विजय का विलोम शब्द अजय है, पराजय है या कसम है, जो हो उस पे आप टिक लगाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, ये रिवीजन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि इसमें से ही प्रश्न आएंगे, इसको करेंगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस प्रेरक कविता के कवि कौन हैं? श्याम लाल गुप्त, प्रेमचंद या नीरज। इस प्रेरक कविता के कवि कौन हैं? श्याम लाल गुप्त, प्रेमचंद या नीरज। हो गया। हम किसे गुदड़ी का लाल मानते हैं? ए लाल बहादुर शास्त्री को, बी भगत सिंह को, सी, यहाँ सी होगा, सी जवाहरलाल नेहरू को, या डी महात्मा गांधी को, ठीक है। जिसे गुदड़ी का लाल मानते हैं उस पर टिक लगा देंगे। शास्त्री जी गंगा नदी किस तरह पार करते थे? ए नाव से, बी तैर कर, सी पुल से। वो जैसे पार करते थे बताओगे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? ए 2 अक्टूबर 1904, 2 अक्टूबर 1906, 5 अक्टूबर 1900 या 5 अक्टूबर 1910। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? हो गया। अब देखो, महाबली कहाँ के राजा थे? प्रश्न नंबर 8, महाबली कहाँ के राजा थे? ए गुजरात के, बी कर्नाटक, सी केरल। कहाँ के राजा थे ये आपको बताना है। ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी केरल। विष्णु जी ने कितने कदम भूमि मांगी? विष्णु जी ने कितने कदम भूमि मांगी? ए एक, बी तीन, सी चार। अब कितने कदम भूमि मांगी ये आपको बताना है। इंद्रदेव की सहायता किसने की? शंकर ने, राम ने, विष्णु ने। किसने की? ए शंकर ने, बी राम ने, सी विष्णु ने, ठीक है। ये चलिए मैं फिर से शुरू से आपको दिखा रहा हूँ। पहले आपको क्या करिए, यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक, और क्वेश्चन नंबर 4 तक नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद नीचे वाला अब वीडियो पॉज कर लीजिए, अब नीचे वाले क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे सारा काम पूरा आसानी से हो जाएगा। और फिर ये वाला, अब इतने हिस्से को वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेंगे। बेटा बहुत ध्यान से काम करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में लिस्ट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस टाइप क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे, जिस जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक ऐसे करके उंगली दबाएंगे तो वो टिक हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन करने के बाद नीचे सबमिट बटन या सेव बटन या ओके बटन, कोई बटन होगा उसको दबा देंगे,
आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। याद रखिए पूरा पेपर करने के बाद करेंगे, है ना, नहीं तो अगर अधूरे पे करेंगे तो अधूरा ही आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक, पूरा करने के बाद और जो समय है उस समय के अंदर। ठीक है, चलिए फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।